वेलकम टू बीएससी एकेडमी। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस आपने अलग अलग टीचर से अलग अलग तरीके से पढ़ी होगी, सभी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और सभी की चीजें अलग। मैं आपको जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा इसमें आप बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के जो हमारा लेक्चर नंबर 1 जो आज हम करेंगे इसमें हम सिर्फ बेसिक करेंगे। हम समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इन सब की थ्योरीज को, इन सब की डेफिनेशन को बारीकी से समझेंगे। और ये जो पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपके 11th 12th की सारी मिक्स रहेगी, आपके सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे 11th के अलग 12th के अलग मिलेंगे। और ये पॉलिटिकल साइंस आपको सिर्फ स्कूल लेवल के लिए नहीं, आपका स्कूल के बाद जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सब में ये गवर्नमेंट एग्जाम जो आप पढ़ेंगे या देंगे उन सभी में ये क्वालिटी आपकी यूज आएगी। मैं आपको सिर्फ स्कूल लेवल तक के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, स्कूल लेवल की बात चाहे आप एनडीए की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एसएससी की तैयारी करें, जो आपका जीएस सब्जेक्ट रहेगा और हर किसी जीएस सब्जेक्ट में आपका क्वालिटी सब्जेक्ट आता ही आता है, तो वो जो आपका सब्जेक्ट है क्वालिटी वो आपका स्कूल लेवल के लिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, प्लस आपका जो एग्जाम लेवल है वहां के लिए भी आपका यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यकीन मानिए जो आपको मैं नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा वो आपके पूरे के पूरे यूपीएससी एस्पिरेंट के पूरे नोट्स आ जाएंगे। तो आप कहने का मतलब है कि जो मैं आपको क्वालिटी यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो आपकी पूरी की पूरी यूपीएससी लेवल की आपकी क्वालिटी है। और आपने अगर ये क्वालिटी अच्छे से पढ़ ली यकीन मानिए आपका जो एग्जाम स्कूल लेवल एग्जाम है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। साथ ही साथ 12th के बाद जो आप एग्जाम देंगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपका एक भी क्वेश्चन इन नोट्स के बाहर नहीं आएगा यकीन मानिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर करें। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर कराऊंगा और जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा बता दूं जो आपकी लक्ष्मीकांत बुक है वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी उसमें से आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपका स्कूल लेवल भी कराया जाएगा साथ ही साथ आपका एडवांस लेवल भी यहाँ पर। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा बेटा कि क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं जीएस पॉलिटी। हम पढ़ रहे हैं जीएस पॉलिटी। चार चीजें आपके सामने लिखता हूं, एक हमारा है पॉलिटिकल साइंस, एक हमारा है पॉलिटी, एक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन और एक हमारा है सिविक्स। आपको जब 9th 10th में होंगे तो आपने बहुत सारी चीजें सिमिलरली बोली होगी, आपने बोला होगा हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है या हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है या हमारी सिविक्स की क्लास चल रही है। बट आपको शायद नहीं पता कि पॉलिटिकल साइंस अलग चीज होती है, पॉलिटी अलग चीज होती है, सिविक्स अलग चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं अलग ही चीज होती है। आपने भले शायद बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी या सिविक्स को सेम प्रोनाउंस करते हैं बट ये चीजें काफी अलग होती है। समझते हैं कैसे, इसको समझने से पहले कुछ थ्योरीज हम समझते हैं। मान लो इस तरीके से थ्योरीज की बात कर रहे हैं, मान लो मैं आपको सामने तीन थ्योरी लिखता हूं, एक हमारी होती है कैपिटलिज्म, एक हमारा होता है कम्युनिज्म, एक हमारा होता है सोशलिज्म। यहां समझना, तो यहीं से हम चीजों को समझे। कैपिटलिज्म क्या बोलता है, कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री का जो मैक्सिमम रिसोर्स है वो हमें अमीर लोगों को बांटना है। किसी भी कंट्री का जो मैक्सिमम रिसोर्स है वो हमें बांटना है अमीर लोगों को, इसी को हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। और जब किसी भी कंट्री के रिसोर्स को इक्वली बांट दिया जाए उसे हम बोलते हैं कम्युनिज्म। तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि जो रिसोर्स है वो मैक्सिमम बांटे जाएंगे अमीर लोगों को, मतलब कि रिच पीपल। कैपिटलिज्म थ्योरी ये बोलती है कि जो भी मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है, प्रॉफिट जो मिल रहा है वो हमें बांटना है अमीर लोगों को। कम्युनिज्म बोलता है कि सबको इक्वल दो, इक्वल टू ऑल। सोशलिज्म बोलता है कि नहीं, ना किसी को ज्यादा दो ना किसी को कम दो, सबको उसकी जरूरत के हिसाब से दो। अगर किसी को एक रोटी चाहिए तो उसको एक रोटी ही दो, अगर किसी को चार रोटी चाहिए तो उसको चार रोटी। ये बोलता है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली आपको नहीं बांट रहे हैं,
सबको सबकी जरूरत के हिसाब से बात करना, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल। आई बात समझ में? तो मेरा अनुसार में तीन थ्योरी रखी है, कैपिटलिज्म की, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। इन थ्योरीज की स्टडी को, इन थ्योरीज की पढ़ाई को बेटा हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल क्या? स्टडी ऑफ दीज थ्योरीज, स्टडी ऑफ दीज थ्योरीज। आ समझे? मैं आपको क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस अलग चीज होती है, पॉलिटिकल अच्छी होती है। कैसे अलग होती है? जो थ्योरी आपके सामने है कि सबको बराबर दो, सबको इक्वल दो, सबको ज्यादा दो, इन थ्योरीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस। और इन थ्योरी को पढ़ के, इन थ्योरीज को पढ़ के जब हम कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, इन थ्योरीज को पढ़ के जब हम कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज थ्योरीज, कि मैंने तीन थ्योरी पढ़ी और मैंने अपने देश में कौन सी लागू करी, मान लो अमेरिका है उसे मैंने देश में लागू करी कैपिटलिज्म, इंप्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो मैंने क्या बताया, इन थ्योरीज की पढ़ाई को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, इन थ्योरीज के इंप्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? बेसिकली एक बुक होती है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन, ये सब चीजें लिखी होती है। और सिविक्स का मतलब क्या होता है? जो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट या ड्यूटी ऑफ पीपल। तो मैंने आपके सामने चार वर्ड लिखे, एक हमारा पॉलिटिकल साइंस, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे बोला पॉलिटिकल साइंस का मतलब है इन थ्योरीज की पढ़ाई को, और जब इन थ्योरीज को पढ़ के हम कुछ इंप्लीमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक रूल बुक जो हमारे सामने होगी। और सिविक्स का मतलब क्या है? जो लोगों के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी रहेगी उसे हम बोलते हैं। क्या क्लियर है आपको? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है वीडियो पॉज करेंगे फटाफट इसको सब। देखिए सुनो, अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता ही होना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेज होते हैं, कितने आर्टिकल्स होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स होते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं, बस ऐसी बातें करते हैं, वो चीजें नहीं करना भाई। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें लेके घूमते हैं, दुनिया भर में गाना गाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल होते हैं, कितने आर्टिकल्स होते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब फायदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है। ध्यान से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल होते हैं 12, कितने होते हैं बेटा? पार्ट्स होते हैं हमारे 25, कितने होते हैं? टोटल आर्टिकल्स हैं 470, इतने 470, और अभी तक टोटल अमेंडमेंट हुए हैं 105। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट हैं, 470 आर्टिकल और अमेंडमेंट कितने हुए 105। क्लियर? यहां तक फटाफट इसको नोट करें। अब हम समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास पार्ट्स हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर हम पार्ट वन की बात करें, ध्यान सुनिए बेटा, अगर हम पार्ट वन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल वन से फोर, आर्टिकल वन से, और आर्टिकल वन से फोर में क्या लिखा हुआ है? यूनियन एंड स्टेट, राइट? आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड शो हो रही होगी, उस स्लाइड को देखिए, उसमें आपको चीजें बता रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड शो हो रही है। अब जो हमारा पार्ट वन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पार्ट वन में क्या क्या आता है? आर्टिकल वन से फोर,
और उस आर्टिकल 1 से 4 में हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 2 पर आइए, उसमें आर्टिकल कौन से आते हैं, 5 to 11, इसमें क्या आता है, सिटीजनशिप पढ़ते हैं। पार्ट 3 पर आइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 से 33, इसमें हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में आइए, इसमें आर्टिकल कितने हैं, 36 से 51, इसमें हम पढ़ते हैं डीपीएस में पढ़ते हैं, ये डीपीएस में क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट 4 क्लॉज ए में आइए, यानी 4th का ए पार्ट में आइए, इसमें हमारा क्या लिखा हुआ, 51 क्लॉज ए, इसमें पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 में आइए, उसमें क्या है, आर्टिकल 52 से 151, इसमें क्या पढ़ते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो बेसिकली किसी भी कानून को लागू करवाने में हेल्प, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करवाते हैं। पार्ट 6 में आर्टिकल 79 से 122, इसमें पढ़ते हैं पार्लियामेंट, क्या पढ़ते हैं बेटा। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मोटा मोटा काला चिट्ठा है, इसमें हम ये चीजें इस आर्टिकल में इस पार्ट में हम ये। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरा लक्ष्मी काम का सबसे बेस्ट टॉपिक है वो है हमारा पार्लियामेंट, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर हम पार्लियामेंट की बात हम स्टार्ट करें टॉपिक पार्लियामेंट, देखिए बेटा टॉपिक हम स्टार्ट करें पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट टॉपिक है इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या, एक हमारा होता है लोकसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा, और एक हमारा होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है हमारा, लोकसभा राज्यसभा क्या सुन, लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 80, प्रेसिडेंट क्या होता है आर्टिकल नंबर 52। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, और प्रेसिडेंट तो लॉ। लोकसभा का दूसरा नाम होता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ, इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं, लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं वो लोगों के द्वारा सिलेक्ट करे गए होते हैं, यानी लोगों ने सिलेक्ट करते हैं, इसका नाम क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल। जो हमारा राज्यसभा होता है इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, सरल होने की जरूरत, ठीक है। लोकसभा में टोटल सीट है 545, लोकसभा में टोटल सीट होती है 543, लोकसभा में सीट कितनी होती है 543, मैक्सिमम सीट जो जा सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है 552, राज्यसभा में टोटल सीट होती है 245 सीट। अब एक बार समझ लेंगे, तो लोकसभा मेरे पास है, राज्यसभा मेरे पास है 245 में से जो 233 मेंबर्स होते हैं ये सारे स्टेट और यूनियन से सिलेक्ट होकर आते हैं, स्टेट और यूनियन से आते हैं सिलेक्ट होकर आते हैं। जो बचे हुए 12 मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि इनका इलेक्शन नहीं होते, करंट भर्ती होते हैं, और इनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, कौन करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में तीन चीजें आती हैं, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में आर्टिकल क्या है 81, इसका 80 और क्या होता है, लोकसभा में होती है 543 सीट्स, 545 ठीक है ना, 245 की देती है बड़ा मन करेगा। तो मैंने क्या बताया, राज्यसभा में सीटें होती हैं 245, 233 सिलेक्ट होकर आते हैं, 12 क्या होते हैं नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड होते हैं उन्हें कौन करता है नॉमिनेट, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है वो चार फील्ड से करता है, आर्ट से, लिटरेचर से,
साइंस से म्यूजिक से। बेटा तो जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो चार फील्ड से करता है, ना कहां से आठ। हम देखा होगा कोई हीरो कोई हीरोइन इलेक्शन में खड़ी जाती है, तो वो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, कभी जब भी नॉमिनेट करे जाते हैं तो वो आठ से आठ लिटरेचर मतलब कोई लिखने वाला साइंस तो साइंटिस्ट हो जाएगा, और अगर कोई सोशल सर्विस कर रहा है उसको भी सीधा सीट मिल जाता है। क्लियर हो बेटा? तो दिक्कत। और अगर हम बात करें 233 मेंबर की, इसमें भी दो जगह से आते हैं ना, बताया भी एक आता है स्टेट से और एक हमारा आता है जो 233 मेंबर सिलेक्ट होकर आते हैं वो कहां से आते हैं, स्टेट से और यूनियन से। कोई दिक्कत? यूनियन में हमारे पास बेसिकली जो वहां पर यूनियन टेरिटरीज है वो आठ या सात, सिर्फ तीन से ही आते हैं यूनियन मेंबर, थ्री यूपी। कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला भाई, इंडिया में कितनी यूपी है? अब वो जो मेंबर्स यूटी है उनमें से सिर्फ तीन यूटी से ही मेंबर आते हैं। कौन कौन सी यूटी है वो? एक है दिल्ली, पुडुचेरी और एक है जम्मू कश्मीर। सिर्फ इन तीन मेंबर से ही सिलेक्ट होकर आते हैं हमारे बेसिकली, क्योंकि बाकी जो बचे हुए मेंबर बचे हुए यूटी है पांच, वहां पर तो विधानसभा ही नहीं है। इन तीन जगह पर ही हमारे विधानसभा यानी तीन जगह पर ही सीएम है, बाकी बची जगह जो बची जो हमारे यूपी है वहां पर कोई विधानसभा या कोई सीएम नहीं है, इसलिए वहां से कोई सिलेक्ट होकर आता नहीं। जिस दिन वहां विधानसभा बन जाएगी या जिस दिन वहां पर कोई सीएम बन जाएगा वो भी यहां पर जोड़ते हैं। अब इस तरह की जगह दिल्ली से पुडुचेरी से और फटाफट देखिए सब कर दिया हमने कहां से कहां सिलेक्ट होगा। अब जो राज्यसभा में सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी मतलब किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, वो जो सिलेक्शन होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। और कौन सा पॉपुलेशन सेंसस यूज करा जाता है 2001, ठीक है, वी डिस्ट्रीब्यूट राज्यसभा सीट्स बाय 2001 पॉपुलेशन सेंसस, इसी को एक्सपायरी डेट है। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के तहत, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के तहत राज्यसभा में जो सीट डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी वो करी जाएंगी 1991 सेंसस के हिसाब से आया। और फिर 2003 में 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसने ये बोला कि राज्यसभा में सीट डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 2001 के हिसाब से। 2001 में जो आया बेसिकली उसने क्या बोला 1991, 2003 में क्या बोला 2000, और अभी तक देख सको राज्यसभा 2001 में जो बोला था कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो होंगी 1991 पॉपुलेशन सेंसस के तहत, और 2001 में जो आया बेसिकली 2003 में जो आया उसने क्या बोला 2001 के तहत। क्लियर है आपका? अब देखिए तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा में सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। अब हम करते हैं बात लोकसभा की। अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली बात करें तो लोकसभा में जो सीट डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही थी सबसे पहले वो करी जा रही थी 1951 सेंसस के हिसाब से। सबसे पहले ये यूज हो रहा था कौन सा 1951 सेंसस के हिसाब से। लेकिन 1971 में पॉपुलेशन ब्लास्ट आ गया। क्या आया? पॉपुलेशन ब्लास्ट। पॉपुलेशन ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? बहुत एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976 में। इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इसने बोला कि 2001 तक जितने भी लोकसभा इलेक्शन होंगे उनमें जो सीट डिस्ट्रीब्यूट होगी वो अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस के हिसाब से। भाई इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आई 1976 में और उसने बोला कि 1976 से 2001 तक जो भी इलेक्शन होंगे लोकसभा वाले उनमें 1971 का पॉपुलेशन सेंसस यूज। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए,
उसके एक्सपायरी डेट क्या थी 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने बोला 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए 2001 में, उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेंडमेंट कब लेकर आए 2001 में, इन्होंने बोला ईयर 2026 तक जो भी इलेक्शन होंगे उनमें यूज होगा 1971 का। अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उनमें जो सीट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो किस पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हुई है 1970। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है वो दोबारा पूछ सकते हैं। मैंने आपको जो आज पढ़ाया है वो मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया है। पार्लियामेंट में क्या लोकसभा राज्यसभा कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा कंडीशन है, सब पार्लियामेंट का जो टॉपिक है उसमें हमारी एक चीज रह रही है कि पार्लियामेंट में या लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग कैसे होगी, सीक्रेट वॉलपेपर और सीक्रेट वॉलपेपर, तो हमें वोटिंग और पढ़नी है। बाकी आप पार्लियामेंट का सारा टॉपिक खत्म कर लक्ष्मी पिता की लक्ष्मी गांधी की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी होगी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि वोटिंग कैसे होती है, कैसे मेंबर्स को वोट किया जाता है, सीक्रेट वोटिंग कैसे होती है, वो मैं आपको अभी तक के लिए जो भी पढ़ाया है इससे प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए। यकीन मानिए आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया। यदि किसी को डाउट हो दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुदा जाने के भगवान जाने।